हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज की हमारी वीडियो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो है 2.6 लीटर डीजल इंजन, ओल्ड मॉडल जो स्कॉर्पियो होती थी सेंसर वाली 2.6 लीटर। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है ये गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, कभी कभी होती नहीं, कभी कभी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्टिंग भी इसकी थोड़ी सी लंबी है, जो सर्दी का मौसम था, अब तो गर्मी का चल रहा है, सर्दी के मौसम में ये स्लिप भी लंबा लेती थी और स्टार्ट हो जाती थी, तो उस टाइम बंद नहीं होती थी। अब ये गाड़ी बंद भी होने लग गई है और स्टार्टिंग थोड़ी सी इसकी अभी भी लंबी है, तो रास्ते में बंद हो जाती है, तो फिर इग्निशन ऑफ थोड़े टाइम के लिए बंद रखना पड़ता है, तो फिर इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो सही चलती है, कभी कभी बंद हो जाती है, जो ये कस्टमर का कहना है। तो ये मेरे पास गाड़ी आई है स्कॉर्पियो, तो करते हैं इसको पहले स्कैन। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। ठीक है फ्रेंड, तो आपको स्टार्ट भी करके दिखाते हैं, गाड़ी की सेल्फ मार के दिखाते हैं, जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड, तो दिखाता हूँ आपको स्कॉर्पियो। ठीक है फ्रेंड, ये स्कॉर्पियो है ओल्ड मॉडल। ठीक है फ्रेंड, 2.6 लीटर डीजल इंजन। तो स्टार्टिंग तो ठीक है, सुबह के टाइम थोड़ा सा लंबा सिर्फ ले जाती है, बाद में तो कस्टमर का कहना है सही हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लेती है, तो दिखाता हूँ फिर आपको मार्केट की सेल्फ। मारते हैं सेल्फ। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा लंबा लिया सेल्फ गाड़ी ने। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा लंबा लेती है, तो एक बार इंजन भी दिखाता हूँ आपको, फिर मारते हैं सेल्फ, चेक करना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ये गाड़ी लंबा सिर्फ लेके स्टार्ट होती है, तो इसकी ये एक प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम है ये गाड़ी रास्ते में चलते चलते अचानक बंद हो जाती है, तो कभी कभी सही चलती है, बंद हो जाती है कभी कभी। ठीक है फ्रेंड, तो मेन प्रॉब्लम इसकी है ये है, तो बाकी आपको आप दिखाते हैं, लगाते हैं इस पर स्कैनर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो गाड़ी को करते हैं बंद, इग्निशन ऑन, चलते हैं महिंद्रा में, महिंद्रा इंडियन। ओके, व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल स्कॉर्पियो, 2.6 लीटर डीजल इंजन है, इंजन मैनेजमेंट, रीड फॉल्ट कोड। तो ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे फॉल्ट आ गए इसमें, तो मेन फॉल्ट इसमें फ्रेंड ये है P1192 रेल प्रेशर गवर्नर डिवीजन एग्जिट द लिमिटेड वैल्यू, तो एक है ये 1193। ठीक है फ्रेंड, ये दो फॉल्ट है इसके स्टार्टिंग के रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, P1192 और P1193 काउंसलिंग सेट फ्लो ऑफ द फ्यूल। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये होती है, इसका कोड का मतलब है या तो इसको हाई प्रेशर पंप को इसका डीजल नहीं मिल रहा है अच्छी तरह से पूरा प्रॉपर, या टैंकी से गाड़ी एयर ले रही है, या कोई डीजल फिल्टर इसका बंद है, चोक है, वो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, या हाई प्रेशर पंप, या वो रेगुलेटर वाल लगा था उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है फ्रेंड, ये कोड मैंने एक दिन पहले भी गाड़ी आई थी, मैंने क्लियर करके भेजी थी गाड़ी, तो उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था गाड़ी को देखने का, तो कोड क्लियर किए थे सब, अब ये कोड फिर बने पाए, दो तीन गाड़ी चली है, दो दिन के बाद ये कोड फिर आ गए है, तो कोड को करते हैं क्लियर, चलते हैं बैक, क्लियर, यस, ओके, डिफॉल्ट कोड। ठीक है दोस्तों, ये पावर स्टेज तो आ गया वा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं स्टार्टिंग दे रिलेटेड, तो मारते हैं फिर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, ये लंबा सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट होती है, तो बस रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, फिर करते हैं रीडिफॉल्ट कोड। ठीक है फ्रेंड, अपने इजर एक्चुएटर का फॉल्ट बन गया वा, ये भी कोई स्टार्टिंग का रौला नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, मैंने गाड़ी उस दिन भी आपको मैं बता दूं, जब मैंने गाड़ी सब कुछ इसका चेक किया था, उस टाइम मेरे पास टाइम थोड़ा था,
डीजल फिल्टर भी इसका चेंज हुआ है, टैंकी वगैरह से सब कुछ अच्छी तरह से डीजल आ रहा है। तो अब देखते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर की बैक लीकेज, अगर फ्यूल इंजेक्टर की बैक लीकेज किसी की एक की भी ज़्यादा होगी तो भी गाड़ी ये फॉल्ट कोड बनाएगी, गाड़ी रास्ते में बंद होगी और स्टार्टिंग भी लंबी होगी इसकी, ठीक है फ्रेंड। तो इसके ये लॉक निकालते हैं रिटर्न पाइप के चारों के, तो देखते हैं किसकी बैक लीकेज ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं निकालता हूँ पाइप फिर दिखाता हूँ आपको वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड, हमने इंजेक्टर पाइप इसका रिमूव कर दिया ये वाला, तो अब लगाते हैं इसकी सेल्फ। ओ सेल्फ मारना बच्चे, रुक जा अभी दोस्तों, इंजेक्टरों रिटर्न पर ध्यान देना। तो एक पर मैं देख लेता हूँ, बाकी तीन पर तुम देख लेना लोग, कब कहाँ से दिखाऊं। चल भी मार सेल्फ। ओ ठीक है फ्रेंड, ये इसकी बैक लीकेज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये एक नंबर की इंजेक्टर की बैक लीकेज बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितना ज़्यादा इसका डीजल आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बैक लीकेज कर रही है। दो नंबर की भी ठीक है, तीन की भी ठीक है और चार की भी ठीक है। और ये एक नंबर का बहुत ज़्यादा बैक लीकेज कर रही है, फिर बंद कर गाड़ी दोस्तों, एक नंबर वाल ध्यान देना। चल भाई मार मार सेल्फ। ठीक है दोस्तों, एक नंबर की रिटर्न बहुत ज़्यादा आ, बैक लीकेज बहुत ज़्यादा आ, तो करवाने इनू खोल दें, इंजैक्टर कर दे बंद। ठीक है दोस्तों, खोल दें इंजैक्टर, चारों इंजैक्टर भेज दें मशीन पर, करवाएंगे चैक, रिपेयर करावे। एक नंबर तो हैगा ही है खराब, फॉल्ट ही इंजैक्टर एक नंबर, तो बाकी की भी सर्विस करावे, बाकी डीजल फिल्टर वगैरह भी चेंज करा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम आ एक नंबर इंजैक्टर जो फॉल्ट कोड बना रही है 1192 1193, वो सिर्फ इसे करके बना रही है, जो रास्ते में गड्डी बंद होती है वो भी इसे करके बंद हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो खोल दें इंजैक्टर फिर तुम दिखाने वीडियो, वीडियो देख दो अगे तुम। लो भी दोस्तों, इंजैक्टर ये असी पट दते, इंजैक्टर तो बिल्कुल नॉर्मल निकल गए आ, तो चारों इंजैक्टर ये पट दते। ठीक है दोस्तों, इंजैक्टर हम भेज दें सर्विस लई, तो बाकी आ होलों की करा सफाई, होलों की सफाई करके तो फिर बाद करा फिट। ठीक है दोस्तों, चारों इंजैक्टर बाहर निकल गए आ, तो कम रेल वगैरह इतों खोल दी सी। ठीक है दोस्तों, आल्टो का लगे हैं हेड गैसकट पाउन, गर्म हो गई है और आल्टो का इंजन सीज हो गया से, इंजन होर रख के हटे हैं, तो आ रहे थे दोस्तों इंजैक्टर, चारों इंजैक्टर ये, तो आई एक नंबर का इंजैक्टर जिंद बैक लीकेज बहुत ज़्यादा से, बहुत ज़्यादा तेल बाहर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी तुम मेरी होर भी टाटा सफारी बलैरो मैक्सी ट्रक से वीडियो देख सकते हैं, इंजैक्टर से मैक्सिमम वगैरह से देख सकते हैं, काफ़ी गड्डियों के मैं फ्यूल इंजैक्टर बैक लीकेज वीडियो पाई हुई है i20 वगैरह से, तो उन्होंने सारा लिंक वीडियो के थले मिल जूगा, तुम देख सकते हैं चैक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आ एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर दोस्त। ठीक है दोस्तों, आ एक नंबर असी मार्क ला लिया। ठीक है दोस्तों, तो तुहानू ये वीडियो दे विच फिर चैक करवावांगे इहदी बैक लीकेज, ओनली ये एक इंजैक्टर दे विच ही प्रॉब्लम सी बैक लीकेज दी, जो फॉल्ट कोड बना रही सी गड्डी। तो ठीक है दोस्तों, भेजते हैं फिर ये इंजैक्टर सर्विस लई, तो फिर तुहानू दिखाउणे आ गड्डी दे फ्यूल इंजैक्टर दी सर्विस होके आ गए, फ्यूल इंजैक्टर बन के आ गए मेरे कोल, तो डीजल फिल्टर भी इहदा आ गया नवां, वह भी रिप्लेस कर दिता वा। तो आ रहे दोस्तों दे फ्यूल इंजैक्टर, हुण लग गया इंजैक्टर फिटिंग कर दोस्तों, चारों इंजैक्टर नवीं कॉपर दीआं वाश लाइन चारों विच कैप लगा हुआ एंड पूरी सफाई नाल काम हो गया, एक नंबर काम हो के आ गया वा, उत्ते डेट भी लिखती है इंजैक्टर वाले ने, अज तरीक है दोस्तों 4/5/22, 4/5/2022। ठीक है दोस्तों, चार इंजैक्टर की डेट भी लिखती है, तो अपने प्रॉब्लम मेन सी एक नंबर इंजैक्टर, एक नंबर इंजैक्टर आप एक नंबर ही लावे। ठीक है दोस्तों, यदि बैक लीकेज बहुत ज़्यादा सी जिस करके गड्डी बंद हो रही थी, फॉल्ट कोड बना रही थी। ठीक है दोस्तों, चारों इंजैक्टर की डेट लिख दी है 4/5/22। ठीक है दोस्तों, यार ये कॉमन रेल बिल्कुल एंड साफ करके पूरे डीजल फिल
पाइप वगैरह साफ करके लावांगे और इंजैक्टर के एक ब्रैकटा तो हम लगे इंजैक्टर फैन। इंजैक्टर होलों की पूरी एन चंगी तरह सफाई कर ली है। ठीक है दोस्तों आ देख सकते हैं एन पूरी चंगी तरह क्लीन हो गया, पूरे अंदर तरह वाह एन साफ कर लिया वा। ठीक है दोस्तों तुसी आ लीड दे नाले अंदरों हर गड्डी दे होल साफ कर सकते हैं, जिदा कि अपनी बैटरी वाली लीड होंगी या सैल्फ वाली लीड होंगी है, इस करके चंगी तरह फेर सकते हैं तो पूरी चंगी तरह सफाई हो जाती है। तो डीजल फिल्टर का नवा ला दिता वा। ठीक है दोस्तों बॉश कंपनी का रिप्लेस कर दिता वा, न्यू फिल्टर ला दिता वा, तो टैंकी वगैरह बिल्कुल ओके आ। करते हैं स्टार्ट गड्डी, चल भी मार चल फिर। ठीक है भी दोस्तों इंजैक्टर की हम बैक लगे तो बिल्कुल ओके आ, एक नंबर बिल्कुल ओके आ, एक जो सेम हो गया हूँ तो स्टार्टिंग थोड़ी जी इंजैक्टर अपन नवें लाए इस करके थोड़ी जी लंबी लगी है। दोबारा बंद करके मार दें सर, बंद करके मार बी फिर मार दे बंद करके चल बी। ठीक है दोस्तों एन पटक देने स्टार्ट हुई है गाड़ी, फिर मार बंद करके। ठीक है भी दोस्तों पहला बहुत ज़्यादा लंबा सेल्फ लें, थोड़ा जहा लंबा लें, हम बहुत एंड ओके रिपोर्ट आ हम गी हम हाफ सेल्फ ना स्टार्ट हो रही है। इंजैक्टर की बैक लेग्स बिल्कुल ओके आ, फिर मार बंद करके। ठीक है भी दोस्तों बिल्कुल ओके आ, प्रॉब्लम थी एक नंबर इंजैक्टर जो बैक लीक बहुत ज्यादा थी तो इस करके स्टार्टिंग लंबी ले रही थी तो और गड्डी चलती चलती बंद हो जाती थी तो फॉल्ट कोड बना देती थी। ठीक है दोस्तों 1192 1193। करते हैं बैक रिटर्न पाइप लाने तो फिर तुम दिखाने यदि टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने तो ये लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम और गड्डी रास्ते में अचानक बंद हो जाना वा। तो ठीक है दोस्तों बाकी का रिटर्न पाइप वगैरह ला के दिल्ली लेने टेस्ट ड्राइव जो भी इंजैक्टर के खर्चा वगैरह आया तो किन्ना वो तुम्हें दस दें। ठीक है कस्टमर को पूछते हैं किन्ना खर्चा आया वो करवा के लेके आया। ठीक है तो गड्डी की टेस्ट ड्राइव लिया है, गड्डी बिल्कुल ओके आ, तो हूँ बस कोई फॉल्ट कोड नहीं बनाया, गड्डी स्कैन करके भी देख लिया, कोई DTC कोड नहीं तो कोई यदि डीजल की लिकिंग वगैरह नहीं, बिल्कुल ओके आ, तो स्टार्टिंग भी ठीक आ, फर्क अगे नो कोई लिकिंग वगैरह नहीं, ओके हो गई ये काम, स्टार्टिंग बिल्कुल ओके आ, टेस्ट ड्राइव यदि लिया है, डीजल फिल्टर इन्यू पै गया वा, तो गड्डी काम बिल्कुल ओके हो गया वा। तो एक बार फिर तुम मार्क होने सेल्फ। ठीक है दोस्तों तो यही मेरा स्कॉर्पियो। ठीक है वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और बस यदा इंजन का कवर रहेगा वो लाने होने का इंजन का कवर, बाकी ये काम ओके हो गया वा। ठीक है दोस्तों तो ये तो जो खर्चा आया कस्टमर नूं फोन करके पूछा वा ये तो खर्चा दोस्तों ये तो आ गया वा, कमेंट करके दसो कि आ गया होगा, दस दो दस दो। ये तो दोस्तों खर्चा आ गया कस्टमर पूछा 8000 रुपया नियोजन के लग गया वा इंजैक्टर से। ठीक है दोस्तों 8000 रुपया, बाकी जो डीजल फिल्टर 500 रुपये का डीजल फिल्टर आया वा, तो बाकी साड़ी लेबर। ठीक है दोस्तों लेबर मैं दस नहीं सकता इस तरह वीडियो से, मकैनिक बहुत गुस्सा करते हैं भी तुम लेबर भी दसते हैं क्योंकि हर मकैनिक का हर एरिए लेबर खर्चा अलग अलग है। ठीक है दोस्तों तो लेबर नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों जो आम चलती है, बाकी इंजैक्टर रिपेयर तो 8000 रुपया आ गया वा। ठीक है दोस्तों तो वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों, मिलते हैं नैक्सट वीडियो।